थे दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे कोको ट्रेडिंग। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। पूरा देखना, हम लोग ट्रेडिंग की जो बेसिक है उस पे वर्क करने वाले हैं। जहाँ तक ट्रेड की बात है तो देखो, मेनली हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में करते हैं और थोड़ा अवॉइड करते हैं रेंजिंग मार्केट को। लेकिन इस वीडियो में जो हमारा ट्रेडिंग होने वाला है वो रेंजिंग मार्केट में होने वाला है, क्योंकि पर्सनली मुझे रेंजिंग मार्केट पसंद है। क्योंकि ऐसा कहीं किताब में नहीं लिखा है कि रेंजिंग मार्केट में हम ट्रेड नहीं कर सकते। आप ट्रेंडिंग में भी करो, आप रेंजिंग में भी करो, बट द थिंग इज विच वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट में भैया वॉल्यूम तो होना चाहिए। यहाँ मैं रेंजिंग मार्केट में ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ, स्टक मार्केट की बात नहीं कर रही हूँ। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में सब कुछ हम बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं और ऐसा स्ट्रेटजी आपके साथ में शेयर करूंगी ना जिसका रिजल्ट यार मतलब मोर देन 90% है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना एंड किसी भी पार्ट को मिस मत करना। तो फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे कोको ट्रेडिंग। और अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप वेट किसकी कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखो ताकि लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। एंड फॉर माई मोटिवेशन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज कॉमेंट जरूर करो ना प्लीज। एंड या स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले तो कुछ ट्रेड प्लेस करेंगे और $40 का ये ट्रेड होगा हमारा। और देखो रेंजिंग मार्केट है, आपको समझ में आ रहा है रेंजिंग मार्केट क्या, जो रेंज में चले, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, यहाँ पर भी एक लेवल है। तो यहाँ देख रहे हो मार्केट क्या कर रहा है, रेंज में चल रहा है। तो अगर दो या तीन, मतलब मेनली क्या पॉइंट है कि अगर मेरा जो अगर यहाँ मान के चलो एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, तो ये अगर तीनों, दोनों या तीनों रेजिस्टेंस को मिलाते हैं तो ये कौन सी लाइन हमको देखने को मिल रही है, हॉरिजॉन्टल। वैसे ही सिमिलरली अगर सपोर्ट सपोर्ट है, एक ही लाइन पे वो ट्रेवल कर रही है, सीधा है, तो ये कौन सा हमारा मार्केट हो गया, हॉरिजॉन्टली। और इसी को हम लोग कह रहे हैं रेंजिंग मार्केट। अगर यही रेजिस्टेंस हमारा ट्रेंडिंग वे में हो इस टाइप का, तो देख रहे हो ये क्या हो रहा है, हमारा ट्रेंडिंग मार्केट क्रिएट कर रहा है आइदर इन अप और डाउन। तो यहाँ क्या है, ये जो रेजिस्टेंस हमको मिलेगा ये ज्यादातर हमको हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करके देगा। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग चलो करते हैं ट्रेड प्लेस। सबसे पहले तो आप एक चीज देखो, मार्केट की मूवमेंट अप है, अप जाने की प्रयास कर रही है, अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत अच्छा मार्केट अप गया, उसके बाद ऐसे करेक्शन हुआ और उसके बाद मार्केट बहुत ही अच्छा सुंदरता के साथ अप जा रहा है। बट व्हाट वी कैन डू हियर इज टू चेक 15 सेकेंड मार्केट। अब 15 सेकेंड के मार्केट में भी हमको क्या पता चल रहा है कि यस हम लोग डाउन के ट्रेड के लिए जा सकते हैं, लेकिन कोई रेड कैंडल अभी तक कंफर्म। अब क्यों जा सकते हैं यार, मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी, एक बार ट्रेड प्लेस कर देती हूँ उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और बट जा सकते हैं कहने से हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, हमको क्या चाहिए, कंफर्मेशन। बिकॉज देखो 5 मिनट के मार्केट में भी भैया रेजिस्टेंस और यहाँ पर एक लेवल है, मार्केट इसको आसानी से कैसे तोड़ कर जाएगा, आप ही बोलो, यहाँ पर भी एक लेवल है, तो ये सब मार्केट को क्या करके देगा, थोड़ा ना थोड़ा तो मार्केट यहाँ पे डांस करेगा या रिट्रेस लेगा और वहां पर हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेडिंग करेंगे। बिकॉज 1 मिनट के मार्केट में भी सेम सिनेरियो है, आप देखो मार्केट अप तो जा रहा है लेकिन इसको ना सिर्फ एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, मतलब यहाँ पर तो पूरा का पूरा लेवल है। और ये सपोर्ट क्या करेगा, अब की बार रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, क्योंकि जब सपोर्ट टूटता है मार्केट ऊपर जाता है तो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो यहाँ पर मार्केट नीचे जा सकता है। अब इसकी कंफर्मेशन कैंडल स्टिक से आपको लेनी है। यहाँ कैंडल स्टिक में क्या हमको मिल रहा है, लोअर शेडो मिल रहा है। अगर मार्केट सच में वाकई अप जाएगा तो हमको अपर शेडो की तलाश होनी चाहिए ग्रीन कैंडल में, ना कि लोअर शेडो। तो थोड़ा कंफर्मेशन और यहाँ पे तगड़ा हो रहा है। बाकी 15 सेकंड के मार्केट में भी सेम चीज आप देख लो, मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर है और यहाँ पर काफी एक ही जगह पर बहुत कैंडल बन चुका है, इतना आसानी से मार्केट तोड़कर उसको अब क्या ही अप जाएगा।
क्योंकि उसको परेशानी भी होगी यार अब जाने में, बिकॉज एक ही जगह से देखो मार्केट कैसे एक जगह पर ही फॉर्म हो रहा है। सो यहाँ पर अब हम लोग ट्रेड बेस करेंगे। थोड़ा अगर मार्केट और ऊपर चला जाएगा तो मेरे लिए एक अच्छा चांस हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेड विन। ओह माय गॉड, यहाँ तो डांस नहीं चल रहा है, यहाँ तो बहुत ज्यादा वाला डांस चल रहा है ये। ठीक है देखो, अब यहाँ पर देख लो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो आप जब ट्रेड करो तो आप एक और चीज देख लो कि अगर आपको मार्केट बहुत ज्यादा अनस्टेबल और मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन मिल रही है तो फिर नो नीड ट्रेड करना जबरदस्ती का। हो सकती है आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही हो, लेकिन इसी क्षण हमको प्रॉफिट करना है ऐसा जरूरी नहीं है। अगर दिख रहा है मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है तो कोई बात नहीं, ये जो हमारी एनालिसिस थी, जो हमारी एंट्री थी, जो हमारी प्रिडिक्शन थी, जो हमारा मेहनत था, इसको जाने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि आप टाइम दे रहे हो तो इसको आप मतलब आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिल ही जाएगा। यू शुड फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वान्टिटी। बट ये ट्रेड हमारा विन हुआ या लॉस हुआ, ये लास्ट में बिल्कुल हुआ है, ये विन ही था, बट ये लास्ट में अचानक से ऐसे कैसे दिख गया। अब यहाँ पर एक्चुअली ये ट्रेड का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा रुक गया है सिस्टम, इसलिए शो नहीं कर रहा है। बाकी ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ एकदम बहुत ही ओके, प्रॉफिट ही हुआ था, चलो ठीक है, थैंक गॉड ये हमको प्रॉफिट हुआ था। अब क्या हो रहा है, मार्केट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, तो चलो किसी स्थिर मार्केट में जाते हैं जो थोड़ा बहुत स्टेबल दिखे। ओह गॉड, क्या यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे? नहीं, क्योंकि हमको स्ट्रॉन्ग रेंजिंग मार्केट चाहिए या फिर ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। यहाँ पर स्टक मार्केट पे ट्रेड प्लेस करके जबरदस्ती का लॉस क्यों करना, जब मार्केट या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, कुल मिला के क्या जाएगा, जहां पे ट्रेड प्लेस करेंगे वहीं पर मंडराएगा, तो वहां पर ट्रेड प्लेस करने से आपका बहुत ज्यादा या तो रिफंड होगा या तो प्रॉफिट भी हो सकता है या तो लॉस भी हो सकता है। तो हमको चाहिए रेंजिंग मार्केट, राइट? अब इसको क्या रेंजिंग मार्केट हम कंसिडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। यहाँ पर आप खुद ही ऐसे ड्रॉ करो तो आप पाओगे कि यस मार्केट रेंज में है। अब रेंज मार्केट में क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, इस सपोर्ट का ब्रेकआउट, रेंजिंग मार्केट में भी थोड़ा थोड़ा ट्रेंडिंग मार्केट क्रिएट हो रखा है। बट यहाँ तक अगर बात करें तो अच्छा खासा रेंजिंग ही था। बट मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, और इसके लिए 15 सेकंड के मार्केट में चले आओ और देखो क्या 15 सेकंड के मार्केट में भी रेंजिंग मार्केट है और क्या मार्केट को अप जाने की संभावना है। यस है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है और मार्केट बहुत ज्यादा, लेकिन जरूरी नहीं है इस सपोर्ट को फॉलो करके अप जाएगा, क्योंकि मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ा है और अब इस सपोर्ट तक इसकी आने की कोशिश है। तो हमको फिर रिवर्सल ट्रेडिंग की ओर नहीं जाना चाहिए जब दिख रहा है कि बेरिश इज सो मच स्ट्रांग हियर। ठीक है, तो अब करो चलो डाउन की ट्रेडिंग। क्यों किया? अब मैं आपको ये एंट्री बताने के लिए कर रही हूँ ट्रेडिंग। हो सकता है कि ये ट्रेड हमको लॉस हो जाए, बट या 5 मिनट के मार्केट में भी मार्केट ट्राई कर सकता है डाउन जाने का। एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पर भी है, तो मार्केट क्यों ना ट्राई करे यहाँ तक एक बार अपना एफर्ट दिखाने का। ठीक है, बट एकदम पास में एक सपोर्ट भी है, हालांकि देखा जाए तो उसका ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकडाउन, तो ये कैंडल का रेड में क्लोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है विथ शॉर्टर लोअर विक, ज्यादा बड़ी भी नहीं कि वो रिजेक्शन को शो कर दे। मैं आपको थोड़ा बैक करके दिखाती हूँ, अगर मार्केट डाउन जाना चाहता है तो हमको उसमें लोअर शैडो चाहिए बैरिश कैंडल में, अप जाना चाहता है तो हमको अपर शैडो चाहिए। अगर अप जाना चाहता है और अपर शैडो है साथ में लोअर शैडो भी है तो कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अगर मार्केट डाउन जाना चाहता है, लोअर शैडो है और अपर शैडो भी है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये ट्रेड तो हुआ हमको भैया लॉस, क्योंकि बगल में है सपोर्ट। बट मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि अगर मार्केट सच में डाउन जाना चाहता है और उसमें लोअर शैडो भी है, लेकिन कुछ ज्यादा ही है, लाइक दिस बॉडी के मुकाबले यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं,
यहाँ देख लो बॉडी कहाँ किस वॉल्यूम में एग्जिस्ट कर रही है एंड शेडो किस वॉल्यूम में, तो ये डाउन जाने में स्ट्रेंथ को नहीं शो कर रहा है बल्कि रिजेक्शन को शो कर रहा है। तो ये चीज का भी आपको ख्याल रखना है कि शेडो की मात्रा क्या है। अब वो ट्रेड तो हमको लॉस हो गया क्योंकि मार्केट तो अब देखो अब करते हैं यहाँ पर और एक बार रिफंड हो जाएगा, सॉरी मार्टिंगल ट्रेडिंग करेंगे $80 के साथ। अब देखो हम ओके 300 ट्रेड लग गया, अब हमने डाउन की ट्रेडिंग कर ली है, वेट करेंगे क्योंकि अगर आप एक चीज देखो तो यहाँ पर ट्रेड प्लेस करने का बहुत ज़्यादा जोखिम है। बहुत सुंदर सा रिवर्सल क्योंकि ये ही एक ऐसा सपोर्ट है जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग सपोर्ट है और यहाँ पर तो ये चीज़ हमको ये दिखा के देगा ही देगा, बिकॉज ये सपोर्ट ना सिर्फ स्ट्रांग है बल्कि पूरा का पूरा ट्रेंड को कुछ देर के लिए अप डायरेक्शन में भेजा था। बिकॉज यहीं से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो आप पाओगे कि फिर जितना भी सपोर्ट बन रहा है वो इसी सपोर्ट के ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, देख रहे हो। और उसका यहाँ पर हुआ था ब्रेकडाउन, यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेड प्लेस करते तो अच्छा रहता, स्क्रीन कैंडल के कन्फर्मेशन के बाद भी प्लेस करते तो बेहतर रहता। सो ये सपोर्ट स्ट्रांग है इसलिए कैंडल यहाँ नाच सकता था, बट फॉर्चुनेटली हमारा ट्रेड विन हुआ, हुर्रे। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट में जो सेलर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इतना मार्केट स्ट्रांगली रेजिस्ट किया है, एक जगह पर फॉर्म हुआ है और साथ ही साथ ट्रेंडिंग मार्केट भी क्रिएट किया है। बट क्या हुआ, यहाँ पर जो सपोर्ट है, यहाँ जो सपोर्ट है सबका ब्रेक डाउन हो चुका है और मार्केट की पूरी पूरी कोशिश है इस सपोर्ट को मात देने की। दैट्स व्हाई मार्केट नीचे गिरने का पूरा ट्राई कर रहा था एंड सेम सिनारियो हमने 5 मिनट के मार्केट में देखा था कि ये कैंडल पूरी पूरी हमारी रेड बन चुकी है जो कि पूरा कंफर्मेशन दे रहा है मार्केट इस सपोर्ट को टच करना चाहता है, ट्रेंड भी हमारा गिरते हुए है बैरिश का है। एंड सिमिलरली 1 मिनट के मार्केट में भी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एंड वंस अगेन 15 सेकेंड के मार्केट में भी सेम चीज था, बट अब मार्केट देखो थोड़ा ऊपर जाने के प्रयास कर रहा है। तो अब हम लोग अभी भी एक्चुअली देखा जाए क्या होगा अगर मैं $5 के ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर लूँ, तो आपको देखो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। अब मेरे पास है $4,000 तो मैं क्यों ना प्लेस कर लूँ $1,000 का ट्रेड, लेकिन क्या ज़रूरत है, अगर लॉस हो जाएगा तो क्या क्या 4,000 हो या 5,000 हो या कितना भी अमाउंट का आपका डॉलर का ही क्यों ना हो, वो ज़ीरो होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए कि हमारा इतना अमाउंट है तो 50% का रिस्क ले लेते हैं या 40% का या इवन 20% का रिस्क ले लेते हैं। वी शुड ओनली 2-3%, क्योंकि ये सारा अमाउंट आपके मेहनत का है, जा भी सकता है आ भी सकता है, आपके एनालिसिस पे है, लेकिन आपको एक्चुअली ग्रीडी नहीं होना चाहिए, कुछ मार्केट का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहता है लाइक यहाँ पर। ओके अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रेड प्लेस करेंगे वंस अगेन $20 का, दिस विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके वेट करते हैं इसके रिजल्ट का, पहला वाला ट्रेड तो हमको लॉस हो गया लेकिन अब देखते हैं मार्केट क्या डाउन जाएगा क्योंकि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर, और अगर अब मार्केट हमको लॉस करके देगा यानी कि सच में मार्केट में अप डायरेक्शन की मूवमेंट आने जा रही है और ये सब जो लेवल यहाँ पर क्रिएट हो रखा है मार्केट वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, सो वेट हियर एंड वॉच व्हाट द रिजल्ट। लेकिन देखते हैं अगर प्रॉफिट हो जाए हमको तो अच्छी बात है, लास्ट का ट्रेड हमको विन होगा क्योंकि आपको ट्रेड प्लेस करना है तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ देख के ही मैंने ये ट्रेड प्लेस किया है डाउन डायरेक्शन में। फर्स्ट वाली तो करेक्शन कैंडल पे लॉस हो गई थी $5 की जो प्लेस की थी, लेकिन फिर मार्केट में अब तो बिल्कुल मार्केट डाउन जाना ही चाहिए, बहुत स्ट्रांगली डाउन जाना चाहिए। करेक्शन के बाद मार्केट फिर से क्या करेगा, सेम इसको रेजिस्टेंस फॉलो करेगा और मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है क्योंकि यार ग्रीन कैंडल में अगर आप देखो इस ग्रीन कैंडल को देख के कई लोग अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग कर देंगे क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग रिजेक्शन दिखा रहा है बुल्स की पावर का। लेकिन आप तब तक ट्रेड प्लेस मत करना अप डायरेक्शन की जब तक मार्केट इस सपोर्ट लेवल को तोड़कर अच्छे खासे से अप क्यों ना चला जाए, मतलब
क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो मार्केट बहुत अच्छे से लेवल बना रखा है, ये मार्केट को वापस से रिजिस्ट करेगा ही भैया, मार्केट यहाँ पर गया क्योंकि यार उसको अगर सच में वो डाउन जाना चाहता है तो उसको पावर चाहिए, जिसके लिए वो जरूर अप तो जाएगा, लेकिन ये लेवल का जब तक आपको ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब, और उसके बाद मार्केट क्या करेगा, यही जो लेवल है उसके पास वापस आके सपोर्ट लेके अप जाएगा, तब तक आप अप की ट्रेड अप प्लेस नहीं करोगे, आप डाउन की ही ट्रेड प्लेस करोगे। ठीक है, आई होप सो ये वीडियो में आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर लगा हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये बताना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फॉर फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स, गिवअवेज, अपडेट्स, कुछ भी डाउट है तो पर्सनली बात कर सकते हो, और कमेंट जरूर करना। एंड क्या वीडियो चाहिए नेक्स्ट ये भी आप मुझे बताना, टेलीग्राम पे भी बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, एंड वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये प्राइस एक्शन का छोटा सा वीडियो था, आई होप सो ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सो या बाय।